दोस्तों रोमन रेंग्स, सोलो सिकोवा, पॉल हेमन, जे उसो एंड जिमी उसो ये WWE कंपनी के अंदर एक ऐसी स्टोरीलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमें सिनेमा वाली फील दे रहा है। और आज हमें स्मैकडाउन के शो के अंदर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं स्मैकडाउन के पहले सेगमेंट और मेन इवेंट सेगमेंट के बारे में, जहां पर ब्लड लाइन ने अपना जो सिनेमा वाली स्टोरीलाइन है उसको कंटिन्यू किया है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शो की हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है उसोज के साथ। उसोज रिंग के अंदर आते हैं और क्राउड ने उसोज को काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया, उनको जो चैंट्स हैं वो मिल रहे थे। और इसके बाद दोस्तों उसोज ने इस बात को क्लियर किया कि कौन है वो बंदा जो ये बोल रहा था कि रोमन रेंस को पिन नहीं किया जा सकता, रोमन रेंस को पिन किया जा सकता है और मैंने वो चीज़ की है। और इसके बाद हमें पॉल हेमन एंड सोलो सिकोवा देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें इनकी बातचीत दिखाई गई थी और यहाँ पर भी हमें सोलो सिकोवा पॉल हेमन से माइक लेते हुए नजर आते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमें रोमन रेंस की एंट्रेंस देखने को मिलती है, जो भी दोस्तों अटेंशन थी वो रोमन रेंस ने ग्रैब कर ली। इसके बाद दोस्तों कमर्शियल आता है और रोमन रेंस हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर हमें रोमन रेंस के लिए थोड़ा सा फैंस की तरफ से चैंट्स भी सुनने को मिले और फैंस की तरफ से थोड़ा सा रोमन रेंस के लिए नेगेटिव रिएक्शन भी था, क्योंकि यहाँ पर हमें यू पिन गोट के चैंट्स सुनाई दे रहे थे। तो रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हमें इस सेगमेंट के अंदर नजर आए। और यहाँ पर दोस्तों रोमन रेंस का जो नेकलेस का वो हार है उन्होंने दोस्तों जे उसो को पहनाया, लेकिन जिमी उसो को दोस्तों उन्होंने बुरी तरीके से मारा। इससे पहले रोमन रेंस ने जे उसो को लो ब्लो भी लगाई और फिर सोलो सिकोवा और रोमन रेंस ने जे उसो को अपनी रस्सियों के अंदर बांध दिया। और इसके बाद जिमी उसो को जो धोया है रोमन रेंस और सोलो सिकोवा ने, वो काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था इस सेगमेंट के अंदर देखने के अंदर। और रोमन रेंस और सोलो सिकोवा ने उसोज को बुरी तरीके से धो दिया। इसके बाद हमें बैक स्टेज ये भी दिखाया जाता है कि रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की वजह से जिमी उसो को एम्बुलेंस के अंदर भेज दिया गया है। और इसके बाद हमें मेन इवेंट के अंदर सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर रोमन रेंस और सोलो सिकोवा रिंग के अंदर आते हैं और वो इसी वजह से आए थे कि उनको न्यूज़ मिल गई थी कि जे उसो फिर से यहाँ पर आ चुका है अरीना के अंदर और वो कुछ करने वाला है। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस कुछ बोलते एक्नॉलेज उन्होंने करवाया क्राउड से, लेकिन तभी दोस्तों जे उसो हमें क्राउड से देखने को मिलते हैं। और भाई जे उसो ने आने से पहले ही रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। यहाँ पर सोलो सिकोवा जे उसो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे उसो ने उनको धोया। इसके बाद उन्होंने चेयर शॉट से रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया, लेकिन ज़्यादा जे उसो अटैक करते इससे पहले सोलो सिकोवा ने उनको रोक दिया, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जे उसो ने सोलो सिकोवा को भी बुरी तरीके से धोया। और हमें ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है कि सोलो सिकोवा को ऐसा धोया जा रहा है, लेकिन सोलो सिकोवा को भी भाई बुरी तरीके से धोया जे उसो ने। इसके बाद रोमन रेंस का जो फेस है वो देखने लायक था कि भाई जे उसो क्या कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जे उसो ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ग्रैब किया और उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज किया कि भाई रोमन रेंस तुम अपना पिछवाड़ा लेकर, कुछ भी उन्होंने इंग्लिश में ऐसा यूज़ किया रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस को सिंपली उन्होंने चैलेंज किया एक मैच के लिए। और रोमन रेंस और जे उसो के बीच में हमें समर स्लैम के अंदर मैच देखने को मिलेगा, जो कि आज हमें स्मैकडाउन के शो के अंदर से इस चीज़ के हिंट मिल चुके हैं। और WWE इनके बीच में प्लान ये मैच करने वाली है और भाई जे उसो का जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल पर जाने वाला है। और आप मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्मैकडाउन का जो ये सेगमेंट आया कैसा लगा। और रोमन रेंस और जे उसो का जो मैच होने वाला है समर स्लैम के अंदर, जो कि सिर्फ अनाउंस होना बाकी है, WWE इसको करवाने वाली है, तो उसके लिए आप कितना ज़्यादा हाइप हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।